किसी में कुछ बात हो तो उसकी उस बात का प्रचार प्रसार भी होना चाहिए। मिशन 2024 लिखा हुआ है, तो ये आप देख पा रहे होंगे किस तरह से लीलाराम विधायक की दीवानगी किस तरह से सर चढ़कर बोलती है। कार्ड पर कैप्चल के विधायक लीलाराम की फोटो आपको मिलेगी। तो बीजेपी कार्यालय में भी देके आए हैं कार्ड। जाऊंगा जी मैं। अच्छा, अभी चल रहे हैं जी। उन लोगों को साफ तौर पर मुंह पर तमाचा है जो लोग उनको सोचते हैं कि किस तरह विधायक को नीचा दिखा करके अपनी राजनीति चमकाई जाएगी। कैथल के विधायक लीलाराम की कितनी लोकप्रियता है कैथल में और उनको चाहने वाले कितने हैं, मैं खुद हैरान था जब ये साथी मेरे पास यहाँ पहुंचे को लेकर के, क्योंकि कैथल के विधायक लीलाराम की लोकप्रियता उनकी सादगी से है। बहुत सादगी पसंद इंसान है। उन्होंने तो प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है लीलाराम जी, और आप भी जो है इन साथियों की ओर जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो इस तरह के दीवाने हैं अक्सर आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं। ही सांसद नायब सैनी के प्रोग्राम थे और कहीं एमसीओ के यहाँ प्रोग्राम थे, उसमें कहीं ना कहीं लीलाराम को इग्नोर किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा, और दबी जुबान में तो लोग कहते हैं कि लीलाराम की जो लोकप्रियता है वो लोगों को पसंद नहीं आ रही है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे राजनेताओं के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं जी, लोकप्रियता तो किसी से छुपाई नहीं जाती जी। ऐसा है कि लीलाराम जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं फिर 2024 में लोगों को पछाड़ कर, यानी कि उन तमाम राजनेताओं को पछाड़ कर विधायक बनने जा रहे हैं। नमस्कार, संदीप बागड़ी हूं मैं, कैथल प्राइम टीवी देख रहे हैं आप। कैथल प्राइम टीवी के ऑफिस में इस समय मौजूद हैं, लेकिन आपको उस बात से रूबरू करवाऊंगा जिस बात से ये पता चलेगा आपको कि कैथल के विधायक लीलाराम की कितनी लोकप्रियता है कैथल में और उनको चाहने वाले कितने हैं। मैं खुद हैरान था जब ये साथी मेरे पास यहाँ पहुँचे तो इन्होंने मुझे ये कार्ड दिया, निमंत्रण कार्ड है शादी का, और आप ये देख पा रहे होंगे। लेकिन जब मैंने कार्ड देखा तो मैं बड़ा हैरान था इस बात को लेकर के, क्योंकि कैथल के विधायक लीलाराम की लोकप्रियता उनकी सादगी से है। बहुत सादगी पसंद इंसान है, लेकिन जो मेरे पास कार्ड लेकर निमंत्रण लेकर पहुंचे थे ये हमारी साथी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले दिखा देते हैं आपको, ये एक कार्ड मेरे पास ये है और भी इनके पास कार्ड हैं, एक बार दिखा दो भाई साहब। सभी कार्ड पर कैथल के, अच्छा एक और है, सभी कार्ड पर कैथल के विधायक लीलाराम की फोटो आपको मिलेगी। बातचीत कर लेते हैं जी। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम संदीप जी, मोहन लाल खटाना जी। गाँव? सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूं, सभी आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं जी। मैं मोहन लाल खटाना जी, गांव गेहूं जी। अच्छा, गेहूं से? हाँ जी, हाँ जी। क्या आपने सोचा भी ये फोटो इस कार्ड पे लगानी थी, क्या मन में आया? बस वैसे ही जैसे विधायक जी की नेचर है ना जी, जो मान लो उनका बोलने का जो उनका अपना है, जैसे इज्जत देते हैं जी, वो छोटे बड़ों को सबको समान समझते हैं जी। वो ये नहीं है कि ये छोटा ये बड़ा, बिल्कुल बिल्कुल, मान ले जो इज्जत देते हैं जी। तो मेरे दिल में आई जी कि विधायक जी के लिए मैं ये कुछ करूं जी, जी जो जितना सम्मान करते हैं वो। एक विधायक की फोटो है, दूसरी ये लोक देवता जी श्री देव नारायण जी। अच्छा, आराध्य देव है जी? आराध्य देव? हाँ जी, हाँ जी, हमारे आराध्य देव है जी। ठीक, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये कार्ड जो है वो काफी देखने में मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि जब किसी में कुछ बात हो तो उसकी उस बात का प्रचार प्रसार भी होना चाहिए। मिशन 2024 लिखा हुआ है, तो ये आप देख पा रहे होंगे किस तरह से लीलाराम विधायक की दीवानगी किस तरह से सर चढ़कर बोलती है, वो आप देख पा रहे होंगे। मिशन 2024, और अभी से इन्होंने तो प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है लीलाराम जी, और आप भी जो है इन साथियों की ओर जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो इस तरह के दीवाने हैं अक्सर आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो बीजेपी कार्यालय में भी देके आए हैं कार्ड? अभी नहीं गया जी मैं। अच्छा, अभी नहीं गया? हाँ हाँ हाँ, देखे आएंगे। हाँ, जाऊंगा जी मैं। अच्छा, अभी चल रहे हैं जी, मान ले शहर का थोड़े बहुत रह रहे हैं जी, मान ले
मैं अकेला हूँ जी, रिश्तेदारियों में भी जाना पड़ता है जी, हर जगह जाना पड़ता है, तो सारी जिम्मेवारी मेरी है जी। अच्छा, हाँ जी, अभी जाना है जी भाजपा कार्यालय में। कहा बिल्कुल जी, बिल्कुल देखे क्यों नहीं आएंगे। तो जिस तरह से बात करें, कल ही सांसद नायब सैनी के प्रोग्राम थे और कई एमसीओ के यहाँ प्रोग्राम थे, उसमें कहीं ना कहीं लीला राम को इग्नोर किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा, और दबी जुबान में तो लोग कहते हैं कि लीला राम की जो लोकप्रियता है वो लोगों को पसंद नहीं आ रही है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे राजनेताओं के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं जी, लोकप्रियता तो किसी से छुपाई नहीं जाती जी, लोकप्रियता तो रहती है जी। विधायक जी की लोकप्रियता किसी को कहने की जरूरत नहीं है जी, इतनी लोकप्रियता जी, वो तो बच्चे बच्चे से पूछ लो जी आप। जी जी जी, तो आप बच्चा भी जाता है ना जी उसके पास, वो एक कहावत है जी, अभी कोई भी उसके घर पे जाता है ना जी, कोई भी बच्चा या कोई उसका घर पे ना हो, चाय पानी खुद लेके आते हैं जी, तो मान ले छोटी बात नहीं है जी। बिल्कुल, बिल्कुल। आजकल विधायक होने के बाद बहुत बड़ी बात है, अभी चाय भी खुद ले आते हैं। बंदा क्या देखता है जी, सबसे बड़ी देखता है कि इज्जत, इज्जत, इज्जत बोल चाल जी। बिल्कुल बिल्कुल, काम कुम तो बाद की बातें हैं जी, सबसे पहले तो बंदा इज्जत होनी चाहिए बंदा की जी। विधायक जी इज्जत करते हैं जी, मान सम्मान करते हैं जी, छोटे भाई बड़े भाई मान ले इतना बहुत काफी है जी। जी जी जी, इतनी लोकप्रियता है जी विधायक जी। कार्ड के अलावा और भी कहीं आपने मुझे लगता है फोटो लगाई हुई है विधायक महोदय की? बाइक पे लगाई, बाइक पे लगाई। हाँ बिल्कुल जी, हाँ जी। तो ये जब यहाँ पहुंचे थे, कार्ड देखने के बाद मुझे मेरे ठीक सामने कैमरामैन के पीछे एक चीज और दिखाई दी, इसलिए पूछा था इनसे, बाइक पर भी इनके विधायक लीला राम की फोटो है, और ये लीला राम का जो आपसी प्यार प्रेम है ये उसी का नतीजा है कि लोग किस तरह से इनको चाहते हैं, वो देखने वाली बात है। लेकिन जिस तरह से लोग जो है अभी राजनीतिक समीकरण जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं, लेकिन इस तरह की जो बातचीत देखकर लगता है कि लीला राम जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं फिर 2024 में लोगों को पछाड़ कर, यानी कि उन तमाम राजनेताओं को पछाड़ कर विधायक बनने जा रहे हैं जो इस तरह की आम जनता की ये आवाज़ है 2024 के लिए, उन लोगों को साफ तौर पर मुंह पर तमाचा है जो लोग उनको सोचते हैं कि किस तरह विधायक को नीचा दिखा करके अपनी राजनीति चमकाई जाए। क्यों भाई साहब? ठीक है जी, चलो। तो और लोगों को, कैथल के लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे लीला राम के लिए? मैं तो लीला राम के लिए यही दो शब्द कहूंगा जी कि लीला राम जैसा इंसान जी, जो उनकी नेचर है जी, तो बहुत कम ऐसे देखने को मिलते हैं जी राजनीति के अंदर, जैसे लीला राम की नेचर है जी। बस मैं अपने दर्शकों को यही कहना चाहूंगा जी, सभी को राम राम, नमस्ते। चलो, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे ऑफिस में आप पहुंचे थे और हमने जरूरी समझा लोगों तक आपकी ये बातचीत पहुंचानी चाहिए। लीला राम के बारे में आप लोगों का क्या कहना है ये भी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि अक्सर आप खबरें बहुत सी देखते होंगे, कहीं एक्सीडेंट की, दुर्घटना की, आग लगने की, कोई बहुत हड़ताल, धरने, प्रदर्शन, लेकिन उनसे अलग ये जो खबर हमने दिखाई उसके बारे में अपने विचार जरूर दीजिएगा। संदीप बागड़ी हूँ मैं, कैथल प्राइम टीवी देख रहे हैं आप।